सर ऑर्डर। बस एक कड़क चाय ले। ओके सर। हेलो, सोचा तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तुम्हें दाद दे दूं। शुक्रिया। तुमने तो हैरानी कर दिया। नौशरवान को शक में डालने के लिए और दुआ की जिंदगी में वापस आने के लिए तुमने फिजा को तलाक ही दे दी। मतलब मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो तुम। देखिए जी, बात यह है कि टेंशन पालने का ना आदी नहीं हूं मैं, और जो मुझे चैलेंज करता है उसे माफ करने का मैं कायल नहीं। अब फिजा का तो हिसाब हो गया, रही बात दुआ की, उसने मुझे अपनों के सामने रुसवा किया, उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके से, उसे बर्बाद करके। अच्छा खेल रहे हो, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता फिर। हाँ जी, बस ऐसा ही है, बस आपकी सरपरस्ती चाहिए। हाँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे हर कदम पे, क्योंकि मेरी जिंदगी का भी वही मकसद है जो तुम्हारा है। दुआ की बर्बादी। बस ठीक है। छोटी बीबी साहबा से कोई चाय पी ले आके हमारे साथ। वो नहीं आएंगी। क्यों? पता नहीं, थोड़ी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है क्यों? तबीयत ठीक है उनकी? आपने कुछ कहा तो नहीं उन्हें? मैं क्यों कुछ कहूंगी, उसके चाहने वाले कम है क्या कहने के लिए? आपको जो कहना है खुल के कहिए। मैं जानता हूं आप दुआ को पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमारी मोहब्बत है, एक बात याद रखिएगा, आप मुझसे कुछ कहें और मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर लूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है नौशाद। कि मैं आपसे कुछ भी आके कह दूंगी और हर दुआ आपके दिल से उतर जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है ना कि जितनी अहमियत आप उसे देते हैं उतनी वो आपको नहीं देती है। दुआ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और मुझे कितनी अहमियत देती है ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसके लिए मुझे आपके या किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो ये बताइए कि वो अपनी भैनोई से छुप छुप कर क्यों मिलती रही? ओह सॉरी, अब भैनोई तो नहीं है वो उसका, अब तो फिजा को डिवोर्स दे दिए उसने। अगर ऐसा ना करता तो फिर दुआ से शादी कैसे करता? और आई थिंक यही सब बताने के लिए वो यहां आया था। सरफराज यहां आया था
कब? सुबह। आपको दुआ ने नहीं बताया? मुझे तो लगा आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती होगी। और नौशर्मा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप गार्ड और चौकीदार से पूछ लीजिए। पर जरा सख्ती से पूछिएगा भाई। दुआ ने उनके हाथ में कुछ पैसे रखे थे मुंह बंद करके रखने के लिए। क्या क्या कर गया था? दुआ को कन्विंस कर रहा था। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशर्मा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। कह रहा था कि उसके बिना रह नहीं पा रहा है, बहुत मोहब्बत करता है उससे। और नौशर्मा जिस तरह वो चुपचाप खड़ी हुई थी और आपको भी नहीं बताया, उससे तो यही लग रहा है ना कि वो राजी है। सरफराज को अंदर किसने आने दिया? साईं, छोटी बीबी ने कहा था इन्हें अंदर आने दें। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? साईं, छोटी बीबी का हुक्म था, मैं कैसे रोक सकता था? नौशर्मा, आप इन बेचारों को क्यों डांट रहे हैं? ये बेचारे तो बस हुक्म के गुलाम हैं। जाओ तुम दोनों यहां से। जी सर। मेरी बात पे तो आपको भरोसा है नहीं? उनसे कमीनों की बात का ही भरोसा कर लीजिए। आप कब समझेंगे? दुआ खेल रही है आपके जज्बात से।